अच्छा लग रहा है कि एनएसबीसी स्पॉन्सर्ड बाय बिहार सरकार के अधीन हम लोग अनुरक्षक कौशल विकास कार्यक्रम में आज उपस्थित हैं और हमें सॉफ्ट स्किल पे आप लोगों के बीच कुछ बोलने का मौका मिला है, जो कि हम भी फर्स्ट बैच में हमें जो सिखाया गया है पढ़ाया गया है उसी के बारे में हम आप सबों के बीच कुछ बोलेंगे। आदरणीय पंचायत राज विभाग से आए हुए पदाधिकारी हैं, प्रेरणा महोदय एवं इस ट्रेनिंग स्थल से जुड़े हुए पदाधिकारी महोदय, सॉफ्ट स्किल एक ऐसा स्किल है जिसे हम काम के दौरान ही नहीं अपने जीवन में ऐसे भी अपना सकते हैं जिससे कि हम औरों से अलग दिखे, लोग आपको जान जाएंगे कि हाँ ये एक भीड़ से अलग आपकी पहचान बन जाएगी। तो इसमें मेन रूप से हम ये कह सकते हैं अनुशासन, ऐसे जीवन में भी अपना सकते हैं, काम के दौरान भी अपना सकते हैं। जैसे हम किसी भी काम में जाते हैं तो हमारा वहाँ जाना, लोगों से बात करना, ये सब हमें एक अलग पहचान दिलाती है और लोगों पे अपना एक इम्प्रेशन होता है कि हाँ ये कुछ। और आप हम लोग जैसे कि हम लोग जहाँ भी स्पोर्ट पे जाएंगे तो सबसे पहले हम अपने प्रॉपर कपड़े में होंगे, जैसे हमारा जो ड्रेस है थोड़ा ज़्यादा फैला हुआ ड्रेस नहीं होना चाहिए जिससे कि काम के दौरान वो फंस जाए, या ज़्यादा टाइट भी नहीं हो, काम करने में हमें नहीं बने। और जो हमारा ड्रेस होता है सेफ्टी होता है तो सब उन सब चीज़ों को अपनाएंगे, जैसे ग्लव्स, जूता, इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे। और जिस स्पोर्ट में हम लोग काम करने जाते हैं तो काम से पहले जो होता है हमें क्या काम करना है पहले उसके बारे में समझ लेना है, कनेक्शन करना है या काटना है या किस तरह का करना है, उसका लंबाई चौड़ाई नाप लेना है, लेबल देखना है, तो जिस कैटेगरी का वर्क रहेगा हम अपन स्पोर्ट उसको अपने ढंग से देख लेंगे। जहाँ भी हम लोग जाएंगे अनुशासन दिखाएंगे, अनुशासन में हम अपना पर्सनल ये पहले दे सकते हैं कि हमें साफ सुथरा रहना है। और एक होता है कि हम लोग कुछ छोटी मोटी आदत से ग्रसित रहते हैं, जैसे कि अपने कंधे पे रुमाल रखना, सर का बटन खुला रखना, तो इन सब चीज़ों को नहीं करना है, इन सब चीज़ों को मेंटेन करना है। और स्पोर्ट में जाते हैं तो सबसे पहले जहाँ हम जिनके काम कर रहे हैं या वहाँ पे जो लोग हैं अगर काम से संबंधित वो कुछ बोल रहे हैं किस तरह से उनको वो काम चाहिए तो हम उनकी बातों को पहले सुनेंगे, हम उनकी बात को सुनेंगे, उसके बाद हम अपनी बात को उन्हें समझाएंगे और काम के बारे में बताकर उन्हें संतुष्ट करेंगे, ऐसा हम कोशिश करेंगे अपने स्तर से खुद। और दूसरी बात, हम लोग को थोड़ा सा इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, मद्यपान वगैरह नशा का एकदम से ऑन स्पॉट या तो कहेंगे जीवन में ही आप लोग उसका यूज नहीं कीजिए तो ज़्यादा, क्योंकि उससे आपका एक छवि धूमिल हो जाता है। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि नशा से हमारा शरीर ही नहीं आत्मा भी दूषित होता है, तो ऐसे महापुरुष थे तो उनके अनुसरण करेंगे, तो नशा वगैरह करके नहीं जाना है। आप जैसे कि आप गुटखा मुँह में डाल लिए, खंडे डाल लिए, ऑन स्पॉट पर काम कर रहे हैं तो जहाँ तहाँ टूट फूट ये सब अच्छा नहीं लगता है, तो इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना है। दूसरी चीज़ है, और थोड़ा सा अगर मान लीजिए तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, सर्दी हो गया है, तो उसके लिए हम लोग उसका प्रॉपर जगह पे अपना वो आपकी सफाई करेंगे। और अगर हमारा मान लीजिए कि मीटिंग में बैठे हुए हैं या कोई हॉल में है, अगर सपोज है हमारा माउथ से स्मेल आता है तो हम इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे और उसको दूर करने के लिए हम अपने मुँह में इलायची वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। और अगर किसी ऑफिस में जा रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि धक्का मुक्की करते जा रही, वहाँ शांति स्थल है तो थोड़ा सा उसका मेंटेन रखेंगे, सीढ़ियों पर चढ़ते समय जूता चप्पल को ज़्यादा थपथपा के नहीं चलना है जिससे कि वहाँ का शांति व्यवस्था भ्रम हो, तो इससे इन सब चीज़ों को फॉलो करने से आपका एक अलग पहचान बनेगा। ये सब चीज़ें आप काम के दौरान ही नहीं आम जीवन में भी अपना सकते हैं। अब हम लोग ट्रेन पर चढ़ते हैं तो धक्का मुक्की करके चढ़ रहे हैं, उसका भी एक सेफ्टी भी है कि पहले करने वालों को करने दीजिए, उसके बाद हम लोग लाइन से बाइकिंग से चलते हैं। तो सॉफ्ट स्किल में कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अनुशासन के बारे में हमें बताया जाता है, वो काम के दौरान हो या हमारे साधारण जीवन में, इन सब बातों को हमने ट्रेनिंग के दौरान सीखा। आप लोगों
अधिकारी जी को मैं नमन करती हूँ और साथ में जितने मेरे भाई बहन हैं सबको मैं फिर से Thank you.
एक मिनट देख लेते हैं। एक मिनट, उतना जल्दी नहीं, आराम से रुकिए। टेस्ट करके दिखाइए, टेस्ट करके। फिर से और दिखाइए। कार्यक्रम आवासीय के तहत इसमें ट्रेनिंग हमें 10 दिन का था, जिसमें हम पाइप जोड़ने के लिए सीखें, पाइप कहां पर क्या लगाना है, इसके बारे में टूल्स कैसे पकड़ना है, कैसे क्या करना है, उसके बारे में भी सीखें। 10 दिन में हमने बहुत कुछ सीखे, इसमें पानी कैसे बचाना है। পিঙ্কি রবিদাস, পিঙ্কি।